दोस्तों अगर आपके शरीर की नसें ब्लॉक हो गई हैं, नसों में हरदम दर्द रहता है, थकान महसूस होती है, तो आपको यह वीडियो पूरा देखना चाहिए। हमारे शरीर में तमाम तरह की नसें होती हैं जो रीढ़ की लंबाई तक फैली होती हैं। ये नसें शरीर के कुछ अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करती हैं, जैसे रक्त वाहिकाओं का खोलना और संकुचित करना। कई बार ये नसें ब्लॉक हो जाती हैं मगर मरीजों को इस बारे में पता ही नहीं होता। ऐसा होने से शरीर में दर्द रहता है, अंग फड़कते हैं और हाथ पैर सुन्न पड़ जाते हैं। कभी कभी नसों की कमजोरी या ब्लॉकेज हमारी खुद की ख़राब लाइफ स्टाइल की वजह से होती है। नसों की ब्लॉकेज शरीर के हिस्सों में कहीं भी पाई जा सकती है, यह आपके चेहरे से लेकर हार्ट तक कहीं भी हो सकती है। इस बीमारी से बचने के लिए आपको अपनी डाइट में सुधार करना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल में सुधार करना होगा। इसके लिए अपने खान पान से जंक फूड, शुगर, नमक व तली भुनी चीज़ें हटानी होगी। वैसे अगर आप घरेलू नुस्खों या आयुर्वेदिक पर ज़रा सा भी विश्वास रखते हो तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। अब ये कैसे पता करें कि हमारे शरीर की नसें ब्लॉक हो चुकी हैं? नसों का नीला पड़ जाना, एक जगह पर नसों का रस्सियों की तरह मुड़ना, पैरों में भारीपन महसूस होना, मांसपेशियों में ऐंठन रहना, पैरों के निचले हिस्से में सूजन और दर्द रहना, एक जगह पर जमा नसों के आसपास खुजली होना, अगर ये लक्षण आपको भी दिखाई दें तो आप समझ जाना कि आपके शरीर की नसें ब्लॉक हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जाए। दोस्तों शरीर की बंद नसों को खोलने का सबसे पहला और सस्ता व असरदार उपाय है 1 कप दूध में 3 लहसुन की कलियों को उबालकर पीना। नियमित रूप से ऐसा करने से आपकी नसों की ब्लॉकेज दूर हो जाएगी। नंबर 2, भरपूर नींद लेना। दोस्तों सोते समय हमारा शरीर रेस्ट मोड पर होता है जिससे दबी नस वाले हिस्से को आराम मिलता है। ऐसे में इस दौरान अधिक से अधिक आराम करें, साथ ही जिस हिस्से की नस दबी हो उस हिस्से का इस्तेमाल ज़्यादा ना करें। नंबर 3, पोस्चर में बदलाव करें। चलने, टहलने या बैठने की पोजीशन से आपकी समस्या बढ़ सकती है, इसीलिए ध्यान रखें कि इस दौरान नसों पर दबाव ना पड़े। नंबर 4, स्ट्रेचिंग और योग भी करें। योग और स्ट्रेचिंग के जरिए भी आप इस समस्या से राहत पा सकते हैं, इसीलिए प्रभावित अंग की स्ट्रेचिंग करें लेकिन अधिक खिंचाव ना डालें। साथ ही एक्सपर्ट से सलाह लेकर वॉकिंग, रनिंग, साइकिल और योगासन भी करें। नंबर 5, मालिश। जिस हिस्से की नस दब चुकी हो उस हिस्से को हल्के गुनगुने नारियल, सरसों के तेल, जैतून या अरंडी के तेल से मसाज करें। इससे दर्द में आराम मिलेगा और नस भी ठीक हो जाएगी। नंबर 6, सिकाई। दबी नस की सूजन कम करने के लिए बर्फ या गर्म पानी की बोतल से सिकाई करें। प्रभावित हिस्से में कम से कम 15 मिनट तक दिन में 3 बार सिकाई करें। इससे सूजन भी कम होगी और दर्द में राहत भी मिलेगी। तो दोस्तों ये थे कुछ उपाय जिससे आप अपने शरीर की ब्लॉकेज नसों को खोल सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।